हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन टीजीटी पीजीटी पीवाईक्यूज की क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए करते हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर, इफ टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा इज इक्वल्स टू वन, देन थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। देखिए आगे बढ़ने के पहले, वैसे क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहा है, मगर आगे बढ़ने के पहले ऑप्शंस को एक बार जरूर वॉच किया करिए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की क्वेश्चन है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन आपके पास है एन पाई प्लस पाई बाई सिक्स, ये पहला ऑप्शन आपके पास दिख रहा है। दूसरा कितना है एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन है टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, ये देखिए। तो एक तो आपके पास ऑप्शन में ओनली प्लस है, दूसरे में दोनों पे प्लस माइनस है। तो प्लस माइनस की स्ट्रक्चर कब बनती है, जब आपके पास टेन स्क्वायर थीटा होता है, और ओनली प्लस की स्ट्रक्चर कब बनती है, जब आपके पास टेन थीटा होता है। तो मैं बिलीव करूंगा कि यहां पर हमें टेन स्क्वायर थीटा के पास जाना बेटर रहेगा। तो कैसे करते हैं, तो पहले मैं आपको एक तरीका करके बताता हूँ जिससे आपका आंसर नहीं मिलता है, फिर उसके बाद दूसरा तरीका जिससे आपका आंसर मिल जाता है। तो एक तो तरीका ये है कि tan थीटा इंटू टेन टू थीटा इक्वल टू वन, सो tan टू थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, वन अपॉन टेन थीटा, यानी cot थीटा। cot थीटा को लिख दिया tan पाई बाई टू माइनस थीटा, और फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया टू थीटा इक्वल टू एन पाई बाई टू प्लस अल्फा, सॉल्व करके पास ये आ गया। बट ये देखिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं है, ओके ये ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं है, तो आपको दूसरे मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था ना कि आप देखो प्लस माइनस भी है, तो इसलिए हमको टेन स्क्वायर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो टेन स्क्वायर इन्वॉल्व करने के लिए मुझे टेन टू थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। टेन टू थीटा इज इक्वल टू होता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है वो वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने वैल्यू रख दी टेन टू थीटा, टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा बन गया टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाई थ्री। वन बाई थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन बाई थ्री को लिख सकता हूँ वन बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर, मतलब टेन पाई बाई सिक्स का होल स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा की फॉर्मूला बन चुकी है, जो कि ये है, और ये क्या होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई सिक्स। तो आंसर कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, इसका होगा करेक्ट ऑप्शन ए, थीटा इज इक्वल्स टू एक मिनट एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स। तो यहाँ पर ए दिया हुआ है, बट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन में प्लस माइनस आ रहा है, तो बी होगा। ए तो इनकम्प्लीट आंसर हुआ, ए तो इनकम्प्लीट आंसर हुआ, बिकॉज ए जो दिया है वो आपको कितना दिया है, ए दिया है ओनली एन पाई प्लस पाई बाई सिक्स, बट आपका आंसर क्या बनेगा, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, भले ही वहाँ पर मिसप्रिंट ए लिखा हुआ है, आपका करेक्ट ऑप्शन बी है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, कह रहा है लॉग ऑफ बेस टू लॉग बेस ई एक्स, तो बताइए डी बाई डी एक्स क्या होगा। तो देखिए क्या प्रॉपर्टी होती है आपके पास, लॉग ऑफ आपके पास बेस ए बेस बी है, तो चेंज इन बेस प्रॉपर्टी लगती है, क्या होती है लॉग ऑफ ई बेस पे बी अपॉन लॉग ऑफ ई बेस पर ए। तो ये लगा दो भाई, तो ऊपर वाला बेस ये था, ऊपर वाला जो टर्म था ये लॉग ई बेस पे लॉग ई बेस एक्स आ गया, और नीचे वाला लॉग ई बेस पर टू चला गया, बेस लिखा नहीं जाता है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो वन अपॉन लॉग टू तो कांस्टेंट हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग लॉग ई बेस एक्स, जो कि बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना, लॉग ई बेस टू तो पहले से ही है, वन अप लॉग लॉग ई बेस एक्स का वन अपॉन लॉग ई एक्स, फिर लॉग ई एक्स करेंगे कंपोजिट फंक्शन से, तो वन अपॉन एक्स आ जाएगा। आंसर कितना आ गया, वन बाई एक्स लॉग, अब देखो 1 बाई एक्स को आगे कर लिया, अब लॉग ई बेस टू है, यदि इसको पलटोगे आप तो क्या बन जाएगा, लॉग टू बेस ई, और ये बन जाएगा लॉग एक्स बेस ई। तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अपॉन एक्स लॉग टू बेस ई लॉग एक्स बेस ई, ओके। हाँ जी बिल्कुल सही है, कर लिया हम लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनरल सोल्यूशन ऑफ टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा इज इक्वल्स टू वन। यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा है, टेन इसको इधर ले जाओगे तो सब कुछ पत्ते खुल जाएंगे इस क्वेश्चन के। ये देखो इसको इधर ले गया मैं, इसको इसके अपॉन में ले जाए तो इक्वल टू टेन पाई बाई फोर, सो टेन थ्री थीटा इक्वल्स टू टेन पाई बाई फोर, सो थ्री थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर, ओके। सो थ्रीटा इक्वल टू वन पाई बाई थ्री एन प्लस वन बाई फोर, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ये देखिए, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस टू इज फोर वाइल द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट द वैल्यू ऑफ क्यू, तो सिंपल है भाई, एक फोर रूट है तो पहले इसको फोर खिला करके पी की वैल्यू निकालो, तो पी की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, माइनस सेवन बाई टू, और पी की वैल्यू यहां पर पुट कर दो और डी इक्वल टू जीरो की कंडीशन लगा दो, क्योंकि इक्वल रूट कह रहा है, तो पी की वैल्यू हमने पुट करके यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, तो पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, सेवन बाई टू, बी स्क्वायर इक्वल टू फोर इसी की कंडीशन लगेगी, तो माइनस सेवन बाई टू का स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू ए की जगह वन है, सी की जगह क्यू है, तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो फोर क्यू फोर्टी नाइन अपॉन फोर, फोर क्यू इक्वल टू फोर, क्यू इक्वल टू फोर्टी नाइन बाई सिक्सटीन, फोर्टी नाइन बाई सिक्सटीन किसी में नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। टीजीटी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीजीटी के लिए। अब ये देखो यार, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये वाला, है ना, गुड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस, अब आपको पता है कि रूट के अंदर अगर कोई चीज होती है तो आपको पता है रूट के अंदर की चीज क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होने के लिए रूट को इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, मतलब अगर ये x है तो x इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, तो देखो अंदर क्या है, लॉग ऑफ बेस 10 लॉग 0.1 x है, तो लॉग बेस 10 लॉग 0.1 x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ओके। चलो इसका एंटी लॉग ले लो, तो 10 बेस पर एंटी लॉग लोगे तो 10 तो क्या है, जीरो से बड़ा है ना, है ना, 1 से भी बड़ा इनफैक्ट, तो अगर 10 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये क्या होगा, सीधे सीधे 10 की पावर 0 पे चला जाएगा, तो 10 की पावर 0 पे गया तो लॉग 0.1 एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 की पावर 0 से बड़ा यानी कि 1। अब देखो ये, अब इसका एंटी लॉग लोगे तो क्या है, ये जो 0.1 है ये जो है ये 0 से लेके 1 के बीच में है, ओके, तो इनइक्वालिटी अब क्या हो जाएगी, लेसर हो जाएगी, तो x लेस देन और इक्वल टू 0.1 इधर चला जाएगा बेस में इसके और पावर 1 बन गई, सो x इज लेस देन 0.1 मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 1/10, ओके, x की वैल्यू 1/10, तो आपको पता है कि x नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, है ना, x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तो 1/10 से छोटा जाएगा, है ना, 1/10 क्लोज इंटरवल और 0, सो वैसे तो ऑप्शन में सारे ओपन दिख रहे हैं बट इसका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, बस इसको थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे 1/10 क्लोज इंटरवल बिकॉज इक्वालिटी आ रही है, देख लो आप, तो x बिलोंग्स टू कितना होगा, है ना, यहाँ पे रहेगा 0 और यहाँ पर कितना 1/10 पे क्लोज इंटरवल, ये आपका आंसर बन रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो एकदम लड्डू क्वेश्चन है, कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस एक्स लॉग एक्स देन एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू, फिर से यहाँ पर बेस आपको चेंज करना पड़ेगा, ई बेस बनाना पड़ेगा, तो लॉग बेस एक्स लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ई में लॉग एक्स और लॉग ई में एक्स, ओके, ये नीचे चला गया ई बेस पे एक्स। चलिए अब डिवीजन रूल से आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, बाद में हम e की वैल्यू रख देंगे, तो डिवीजन रूल से सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर तो ये पहुंच गया log x और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर समा अवकलन करेंगे अंश का तो क्या बनेगा 1 अपॉन log x और इसका नीचे चला गया फिर 1 अपॉन x आ गया माइनस log log x और हर का अवकलन ओके हो गया 1/x और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर ये बन गई अपने पास काट दो इसको ये से ये कैंसिल हो गया ओके क्या बच गया 1 अपॉन x और तो हमको किसका वैल्यू चाहिए हमको y की वैल्यू e पर चाहिए f डैश e चाहिए तो हमने x की जगह e पुट कर दिया 1 अपॉन e log log e into 1 अपॉन e और यहां पे log e का होल स्क्वायर तो देखो भाई log e कितना होता है 1 होता है और log 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ये log 1 0 हो जाएगा 1 अपॉन e तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया केवल क्या बच गया बाहर 1 अपॉन e तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा सी ऑप्शन 1/e ओके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नोट करा पहले मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो आप लोग एक सेकंड जो है पहले खुद से किया करो एक मिनट के लिए फिर उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखा करो उससे ज़्यादा मजा आएगा ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी आपका ज़्यादा मानसिक विकास होगा चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन मतलब बहुत ही वाला मस्त लियो भैया मैंने लिख भी दिया मस्त क्वेश्चन ओके पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ द लिमिट मैं लिख देता हूँ लिमिट पूछी जा रही है एक्स टेंस टू जीरो कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओके डिवाइड बाई एक्स की पावर फोर भाई पहली बार ये क्वेश्चन आया तो मन में सबको देख के लगता है एल हॉस्पिटल बट एल हॉस्पिटल अब इसमें लगाओगे तो बहुत बार लगानी पड़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी ओके वैसे 0/0 फॉर्मेट बन रही है अब एल हॉस्पिटल अब डायरेक्टली यदि लगाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है और ये बढ़ता जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाएंगी दूसरी चीज
है ना। तो इसी तरीके से यही चीज़ है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है। तो इसको यदि आप करोगे एल हॉस्पिटल से तुरंत का तुरंत, ठीक है ना, तो आपको ये क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होती जाएगी। जैसे कॉस साइन एक्स कर दोगे तो कॉस का कितना हो जाएगा, साइन साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। लो तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए हैं, अब फिर से बड़ी प्रॉब्लम। तो इसको कैसे करते, देखो तो सबसे पहले इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। ये देखो कॉस सी माइनस कॉस डी, इसको सी ले लो, पहले वाले को सी ले लो और दूसरे वाले को डी ले लो। इसको आपने ले लिया सी और इसको ले लिया आपने डी, तो क्या बनेगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, ओके, एंड साइन डी माइनस सी बाई टू। ये होता है फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी का। टू दोनों ही साइन आते हैं, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो टू साइन साइन एक्स प्लस एक्स बाई टू एंड साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी माइनस सी, ओके। क्या होता है फॉर्मूला लिख दो क्या, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू, या ये फॉर्मूला लगा दिया। नीचे क्या है, एक्स की पावर फोर है, ठीक है, इधर टू आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो करना क्या है, तुम्हें ये इसकी पेयरिंग बनानी पड़ेगी, साइन के नीचे ये चाहिए, इसके नीचे ये चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसी चीज़ को मैंने साइन एक्स प्लस एक्स बाई टू को इसको नीचे दे दिया और इसको इसके नीचे दे दिया और दोनों चीज़ों का ऊपर मैंने मल्टीप्लाई ये कर दिया। इससे फायदा क्या हो गया, अब ये देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो जीरो अपॉन जीरो की फॉर्मेट बन रही, मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, वन बन गया, और ये भी पूरा का पूरा क्या हो गया, वन बन गया। चलो थोड़े से यहाँ पे कम हो गए परेशान करने वाले एलिमेंट, तो टू अपॉन एक्स की पावर फोर ये वन बन गया, ये बन गया, और ये कितना हो गया, वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये देखो बहुत बढ़िया, अच्छे लेवल पर क्वेश्चन पहुँच चुका अपना। तो मतलब कुल मिला के कितना बन चुका है, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 4, कैसे 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सा आराम है क्योंकि फंक्शन कुछ कम हो चुका है। अब यदि आप लिमिट पुट करो तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो अब आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। चलो एल हॉस्पिटल धीरे धीरे लगाते हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 8x क्यूब, भाई फिर से जीरो बाई जीरो की फॉर्मेट बन चुकी है, आगे लगाओ तो 2 माइनस 2 कॉस 2x अपॉन 24x की पावर स्क्वायर, फिर से 0 बाई 0 की फॉर्मेट बन रही है, एक बार और ट्रायल करो तो 2 फिर कितना हो जाएगा, 4 साइन 2x अपॉन 48x, 4 साइन 2x अपॉन 48x। तो फिर से अपने पास क्या बन रही है, 0 बाई 0 की फॉर्मेट तो बन रही है, बट यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट आप लगा सकते हो, ओके, स्टैंडर्ड लिमिट आप लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, देखो यहाँ पे 4 है ना, कितना नीचे दिया है, साइन 2x है और नीचे 48x है, तो एक काम करो 24 अलग कर लो और यहाँ पर कितना लगा दो, 2x लगा दो, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, और आपके पास कितना बच गया, 4 बटे 24 यानी कि 1/6। नहीं तो एल हॉस्पिटल दोबारा लगा दो तो भी आ जाएगा, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला बना करके स्टैंडर्ड, तो करेक्ट आंसर इसका कितना आ गया, 1/6। तो जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी इस फंक्शन की कितनी आएगी बाबू, 1/6 आएगी, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गई बच्चों, इसका आंसर हो गया 1/6। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन करा करिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 0 to infinity साइन एम एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसको करके भेजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन रूट्स ऑफ द ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलो भाई देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे कराऊंगा, शॉर्ट ट्रैक से कराऊंगा, ठीक ना। तो कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस एक्सप्रेशन की जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी, किसके टर्म्स में, टू अपॉन ए, मतलब कोफिशियंट ए के टर्म्स में। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप डायरेक्ट मत करो, आप अल्फा बीटा को कोई भी नंबर ले लो, अल्फा इक्वल टू वन आपने बीटा इक्वल टू टू सपोज कर लिया, है ना, आपने अल्फा वन ले लिया और बीटा आपने टू सपोज कर लिया। देखिए अब इसको करने के बाद आपका जो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा बीटा से आपका इक्वेशन क्या बन गया, ये बन गया। अब इससे क्या पता चल गया आपको, ए बी सी की वैल्यू आ गई, ए बी सी की वैल्यू है कितनी, 1 - 3 2। आपको वैल्यू किस चीज़ की निकालनी थी, इस एक्सप्रेशन की, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, तो उसकी वैल्यू पुट करने पर कितना आ गया मेरे पास, -2। अब चलिए ऑप्शन के पास चलते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है -2 प्रेजेंट कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है 2 अपॉन ए, सो 2 अपॉन ए देखिए इसमें ए कितना है, 1 है, तो कितना देगा, 2 देगा, मतलब पहला ऑप्शन नहीं, बिकॉज हमको -2 चाहिए, है ना। एक मिनट
हमको माइनस टू चाहिए। सेकेंड ऑप्शन देखिए माइनस ए बाई टू है, तो सेकेंड ऑप्शन यदि मैं यूज़ करता हूँ तो सेकेंड ऑप्शन कितना लेगा, माइनस वन बाई टू, बिकॉज ए की वैल्यू वन है और फिर माइनस है, तो ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन माइनस टू अपॉन ए, तो यही मुझे देख रहा है माइनस टू अपॉन ए, तो माइनस टू अपॉन ए की वैल्यू वन आई है, तो करेक्ट आंसर क्या देगा, माइनस टू। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हुआ, थर्ड हुआ। तो देखा आपने कितना बढ़िया क्वेश्चन था, आपने यूजिंग शॉर्ट ट्रिक इसको कर लिया। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि यूजिंग द ट्रिक आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, है ना, ट्रिक इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत अच्छी बात है। चलिए तो ये तो हो गया, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से। ये भी क्वेश्चन हम ट्रिक से करेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से करेंगे तो बहुत आनंद आने वाला है, बहुत बढ़िया से हो जाएगा। कह रहा है टेन अल्फा एंड टेन बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ द साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको बतानी है। देखो भाई बात टेन पे थी और खींच के कहाँ पे लेके आ गया, अल्फा प्लस बीटा पे। तो पहले ही कह रहा कि टेन अल्फा टेन बीटा रूट्स है, तो एक काम करो अल्फा और बीटा की कोई वैल्यू असाइन कर लो, उससे हम टेन अल्फा टेन बीटा पे पहुंच जाएंगे। सो हमने मान लिया अल्फा 45 है, बीटा 0 डिग्री है, तो 10 अल्फा 10 बीटा हमने निकाल लिया। 10 अल्फा कितना हो गया भाई साहब, 45 पे 10 अल्फा हो गया 1 और 10 बीटा हो गया 0, मतलब इनके जो रूट्स हो गए वो क्या क्या बन गए, 1, 0 इसके रूट्स बन गए, ठीक ना। चलिए अब चलिए इक्वेशन बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 और अगला तो 0 हो ही गया, मतलब इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 के लिए आप कंपेयर करते हो और आप देखो ध्यान से, इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वेशन ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। तो हमने इक्वेशन क्या बनाया, हमने बनाया इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 और ये किसके जैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के जैसा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो पी की वैल्यू आ गई 1 और क्यू की वैल्यू आ गई 0। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। देखो कितने प्यार से आएगा आंसर, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो भाई साहब हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी है 45, बीटा तो 0 है, मतलब ये कितना हो गया साइन स्क्वायर 45 जो कि होता है 1/2। अब हमको 1/2 आंसर मैच कराना है इन द टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन नंबर ए है पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक ना। देखना चाहते हैं आप लोग, ये देखिए लिखा है पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू स्क्वायर। तो अब यहाँ पर यदि आप पी की वैल्यू 1 डालते हो ओके, और क्यू की वैल्यू 0 है, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो गया, तो आंसर कितना हो गया 1/2। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया 1/2। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इसका क्या होगा, मतलब वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आंखों में ही बस जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो कैसे करेंगे इसमें, देखिए कह रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इसका क्या होगा। तो यहाँ पे x बैठा हुआ है और मेरे पास x के चार ऑप्शन है, तो मैं सबसे पहले ऑप्शन से पुट करके देखता हूँ कि p प्लस क्यू प्लस आर यदि मैं पुट करता हूँ तो क्या होगा। देखो भाई साफ दिख रहा है, अगर p प्लस क्यू प्लस आर पुट करोगे तो p से q कैंसिल हो जाएगा और r बच जाएगा आपका, माइनस वन छोड़ेगा r डिवाइड होके, तो ये भी आपका क्या प्रोड्यूस करेगा माइनस वन। ये फिर यहाँ पर q और r कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस पी अपॉन प्लस पी, ये भी प्रोड्यूस करेगा माइनस वन, ये भी प्रोड्यूस करेगा माइनस वन, और ये प्रोड्यूस कितना करेगा प्लस थ्री इंटू वन यानी कि प्लस थ्री, तो ये प्लस थ्री प्रोड्यूस करेगा जो कि कैंसिल हो जाएंगे तीनों ऐड हो करके और आंसर क्या आएगा जीरो। तो मतलब कुछ करने की भी पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होगी और आंसर आपका कितना जाएगा x इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर डन। देखिए एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का, एक तो आपने डायरेक्टली ऑप्शन से पुट करके चेक कर लिया, एक और शॉर्ट ट्रिक है कि देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास p q एंड r कांस्टेंट है, उनको आप 1, 2, 3 मान लीजिए। तो पी क्यू आर को आपने पी क्यू मान लिया, 1 एज्यूम कर लिया, q को 2 एज्यूम कर लिया, r को 3 एज्यूम कर लिया, तो आपके पास जो क्वेश्चन की नई स्ट्रक्चर है वो ये बन जाएगी, है ना। देखिए कि पी प्लस क्यू माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स अपॉन आर की वैल्यू 3 है, सो एंड क्यू प्लस आर कितना हो गया 5 माइनस एक्स अपॉन पी है 1 और 4 माइनस एक्स अपॉन 2, है ना, क्योंकि r प्लस पी है, r कहाँ ये है और पी है 1, तो 4 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 3 एक्स अपॉन 6 इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो है इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। अब x की वैल्यू 6 है बट आपके पास जो ऑप्शंस x के लिए हो पी प्लस क्यू प्लस आर के टर्म्स में दिए, तो पहला ऑप्शन में मैच करता हूँ x इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर, वैल्यू रख दी 1 प्लस 2 प्लस 3 कितनी आ गई 6, तो दैट इज करेक्ट, बिल्कुल सही, इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लेट ए बी एंड सी आर द यूनिट वेक्टर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए डॉट सी इक्वल टू 0, देन द एंगल बिटवीन एंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज पाई बाय 6, देन ए इक्वल्स, तो आपको ए बताना है इन द टर्म्स ऑफ बी एंड सी। देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन बी और सी के टर्म्स में है ओके,
सो आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको यहाँ पर ए बताना है इन द टर्म्स ऑफ बी एंड सी की ए क्या है, बी क्या दे रखा है कि ए बी सी है, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो इक्वल टू ए डॉट सी। तो डायग्राम से समझ में आ रहा है कि ए बी के ए डॉट बी जीरो है और ए डॉट सी जीरो है। ओके मतलब जो ए वेक्टर है वो बी और सी के दोनों के परपेंडिकुलर है और बी और सी के बीच का एंगल पाई बाय सिक्स है। तो मैंने क्या रेज्यूम किया, ये ले लिया मैंने वेक्टर बी और ये ले लिया मैंने वेक्टर सी। बी और सी मतलब एक तरीके से मिलकर के एक प्लेन बना रहे हैं, ठीक है, एक प्लेन के वेक्टर हैं। अगर आपको थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट करूँ तो कुछ इस तरीके से ये एक प्लेन में जा रहे हैं, प्लेन वेक्टर है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये दोनों एक प्लेन के वेक्टर हैं और इनके ऊपर परपेंडिकुलर ए है, ये देखो ये दोनों पे परपेंडिकुलर है, एक इधर है और इसके भी परपेंडिकुलर। जब आप प्लेन में दो वेक्टर लेंगे ऐसे तो ये परपेंडिकुलर दोनों के ऊपर हो सकता है बिकॉज ये अनदर प्लेन पे जाएगा, इसलिए दोनों पे इस पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर ए जो वेक्टर होगा वो बी क्रॉस सी का लैम्डा टाइम्स होगा, ये कहा जा सकता है। क्यों, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि ए जो है एग्जैक्टली बी क्रॉस सी हो जाएगा, क्योंकि बी क्रॉस सी का एग्जैक्ट मल्टीप्लीकेशन हम नहीं जानते हैं, बट ए जो होगा वो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। सो ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी, ठीक है ना। सो इसको ओपन कर देता हूँ, सो ए इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ आपको, भूल गया था बताना, ए परपेंडिकुलर की सेंस ऊपर भी ले सकता है और साथ ही साथ नीचे भी ले सकता है ना। ए जो है परपेंडिकुलर की सेंस दो वेक्टर के ऊपर भी ले सकता है और नीचे भी ले सकता है, इंपॉर्टेंट बात है, अभी आपको लेमडा से वो चीज़ समझ में आएगी। सो वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा मॉड बी मॉड सी साइन थीटा एन कैप। अब आप क्या करो, दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लो, तो मॉड वेक्टर इक्वल टू मॉड लेमडा, वेक्टर बी का मॉड तो ऑलरेडी मॉड है ही, सी का मॉड साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी पाई बाई सिक्स, तो ले और इसको भी मॉड ले लो, और एन कैप का मॉडलस यूनिट वेक्टर का मॉडलस कितना होता है, हमेशा वन होता है, तो ये मैंने वन पुट कर दिया। ओके अब आपको दे रखी ये सारे के सारे क्या है यूनिट वेक्टर, तो क्या है ये वन हो जाएगा, ये लैम्डा है, ये भी वन है, ये भी वन है, ये वन बाई टू है। ओके सो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, मॉड लैम्डा इज इक्वल टू आ गया टू, ये टू इधर चला गया, सो लैम्डा इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस टू। तो आपने वेक्टर क्या लिया था, ये लिया था वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा बी क्रॉस सी, ये था आपका वेक्टर। सो वैल्यू पुट कर दो तो टू प्लस माइनस टू इनटू बी क्रॉस सी, ठीक है ना, लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस टू। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका जी, ए होगा करेक्ट ऑप्शन, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस टू बी क्रॉस सी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, प्लस माइनस टू बी क्रॉस सी, नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ इज आई के प्लस थ्री जे के प्लस टू के के। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट देख के कई बार लगता है क्या आ गया ये, है ना, ऐसा होता है। तो ओ की पोजीशन वेक्टर ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होती है, जीरो जीरो जीरो, ये होती है ओरिजिन जीरो जीरो जीरो, ये मैंने ओरिजिन बना लिए। ओके और क्या कह रहा है कि ओ की पोजीशन वेक्टर इतनी है और पॉइंट पी की पोजीशन वेक्टर ये दे रखी, तो ये जो लाइन मैंने ली पॉइंट पी की पोजीशन वेक्टर है ओपी आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस टू के कैप, एंड देन सेकंड पॉइंट क्यू की पोजीशन वेक्टर कितनी है थ्री आई कैप प्लस टू जे थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप, ये ओ क्यू की पोजीशन वेक्टर दे दी गई है। ओके आपसे क्या बोल रहा है कि बताइए पोजीशन वेक्टर ऑफ द बाईसेक्टर ऑफ द एंगल पी ओ क्यू, तो भाई एंगल बाईसेक्टर की आपसे पूछ रहा है, एंगल बाईसेक्टर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, एंगल बाईसेक्टर की आपसे पोजीशन ये पूछ रहा है। तो देखो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप कहोगे मिड पॉइंट वेक्टर की आप निकाल रहे हो, नहीं बेटा मिड पॉइंट वेक्टर की मैं नहीं निकाल रहा हूँ, सबसे पहले ये देखो कि इस साइड ये साइड और ये साइड दोनों की लेंथ सेम है क्या। तो देखो आई थ्री वन थ्री टू और वन थ्री टू मतलब दोनों ही वेक्टर की लेंथ सेम है यहाँ पे, तो ओपी का जो मैग्नीट्यूड है और जो आपका इसका मैग्नीट्यूड है, किसका ओपी का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ आपके पास जो है ओक्यू का मैग्नीट्यूड, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है इक्वल है। अब इक्वल होने से अपन को एक चीज पता चल जाती है कि भाई साहब ये अपना सेंटर पॉइंट था ओ और ये जो है और ये जो साइड है ये दोनों साइड अपनी क्या हो गई है इक्वल हो गई है। अब जब ये इक्वल हो जाती है तो ये जो एंगल बाईसेक्टर होता है ना ये बिल्कुल बीच में बैठा होता है, मतलब जो मिड पॉइंट को जोड़ता है वही एंगल बाईसेक्टर है। तो आपको डरने की बात नहीं है, आपको मिड पॉइंट वेक्टर अब निकालने की आजादी है। तो मिड पॉइंट वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे दोनों वेक्टर को जोड़ करके हाफ कर दो। ओके दोनों वेक्टर को जोड़ करके क्या कर दो, हाफ कर दो, ठीक है ना। यस तो दोनों वेक्टर को जोड़ करके आपने हाफ कर दिया। हालांकि यदि नहीं होता मिड पॉइंट तो फिर क्या रूल था उसके लिए, तो मैं आपको रूल बता देता हूं। यदि मिड पॉइंट नहीं होता तो फिर ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता,
ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना, ओपी ओपी मल्टीप्लाई बाई पी आर, ओपी मल्टीप्लाई बाई पी आर, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे तो फिलहाल पी आर और डी आर दोनों बराबर हैं, मैं पी आर डी आर की बात कर रहा हूँ। देखो क्या है भाई, पी आर और क्यू, पी आर तो ये देखिए मॉड ऑफ पी आर जो लिखा हुआ है ये है पी से लेकर के आर तक की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूं। ये देखिए पी से लेके आर तक की डिस्टेंस है, ये पी आर है। यहां पे क्यू आर होना था, ये एक्चुअली क्यू आर है, इसको क्यू आर कर दो। ओके, इक्वल टू डी, दोनों को डिस्टेंस को, ये भी डी है ये भी डी है, तो क्या है मिड पॉइंट फार्मूला लग जाएगा, है ना। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगेगी ओपी वेक्टर प्लस ओ क्यू वैक्टर अपॉन टू, ये हो गया। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप, तो करेक्ट आंसर क्या अपने पास में, टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीस, कोई भी नहीं है। सो आंसर क्या चलेगा यहाँ पे, नन ऑफ दीस, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस x अपॉन x क्यूब। ओके, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस x अपॉन x क्यूब एंड द लाइन x इक्वल टू 2a। तो सबसे पहले आपके सामने जो कर्व दिया है बड़ा उत्पटांग सा, y स्क्वायर इंटू 2a माइनस x इक्वल टू x क्यूब, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो देखो y स्क्वायर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, x क्यूब अपॉन 2a माइनस x। ओके, और कहां पर पूछ रहा है, x इक्वल टू 2a पर, तो x इक्वल टू 2a यदि आप पुट करते हो यहां पे x इक्वल टू 2a, तो 2a माइनस 2a कितना हो जाएगा 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा समथिंग अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू 0 और समथिंग अपॉन 0, यानी कि प्लस माइनस इनफिनिट की तरफ ट्रेवल करेगा। मतलब y इक्वल टू 2a पर इस कर्व का एक एसम टोड़ जो है वो जा रहा है कहां पर, इन्फिनिटी पर, और दूसरा जा रहा है माइनस इन्फिनिटी पर। और x इक्वल टू 0 पे इसकी स्टार्ट करता हूं, यदि मैं अगर यहाँ पे मैं x इक्वल टू 0 रख रहा हूँ तो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो एक आइडिया मेरे को लग रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एक आइडिया मुझे लग रहा है कि ये जो कर्व जाएगा इस तरीके से जाएगा। देखो कैसे, x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 यदि आप पुट कर दो, और चाहो तो आप y का फंक्शन भी बना सकते हो आप यहाँ से, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट x क्यूब अपॉन 2a माइनस x, समझने के लिए काफ़ी है इतना, है ना। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट x क्यूब अपॉन 2a माइनस x, ये लो अब इतने में से काम चलाना पड़ेगा, x क्यूब अपॉन अंडर रूट 2a माइनस x, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालते हो तो x की वैल्यू 0 पे तो कितना हो रहा है, 0 होता है, मतलब ग्राफ यहाँ से उठा हुआ है x की वैल्यू 0 से, और 2a पर इनफिनिटी पर चला गया, तो 2a पर ये इसकी एसिम्प्टोटिक लाइंस बन जाएंगी, इनफिनिटी पर चला गया, और माइनस 2a पर भी ये चला गया इनफिनिटी पर, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, तो आप एरिया बाउंडेड बाई द कर्व दिस एंड लाइन x इक्वल टू 2a, ठीक है ना, एरिया बाउंडेड बाई द कर्व एंड द लाइन x इक्वल टू 2a। तो हमको इसका एरिया निकालना है बाउंडेड बाई कर्व, आओ कैसे निकालते हैं भाई, देखो। तो सबसे पहले हमें y मिल गया है, तो इंटीग्रेशन एरिया क्या होता है, जीरो लिमिट a से लेके b y dx, तो लिमिट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, देखो कंपाउंडेड कर्व है, जीरो से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, 2a तक जाएगी, तो जीरो से लेके 2a, और अपने पास इसकी वैल्यू जो आई है y dx, तो y की वैल्यू कितनी है, x क्यूब अपॉन 2a माइनस x 1/2, ठीक है ना। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 0 टू 2a, 2 बाहर क्यों ले लिया, क्योंकि दोनों तरफ का एरिया, उसने बोला है टोटल एरिया, अपसाइड का नहीं बोला उसने, कंप्लीट एरिया बोला, कंप्लीट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो हमने 2 लगा लिया इसलिए, क्योंकि 2 टाइम्स का एरिया, ऊपर का भी काउंट होगा नीचे का भी काउंट होगा। तो x की पावर 3/2 2a माइनस x की पावर 1/2, ये हो गया। तो x की पावर 3/2 अपॉन 2a माइनस x की पावर 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2a माइनस x, है ना, ठीक है, बिल्कुल सही है, x की पावर 3/2, और ये हो गया। अब देखो हमको कुछ ऐसा पुट करना है कि नीचे का काम चल जाए, तो हम यदि यहाँ पर x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दूँ तो मज़ा आ जाएगा, है ना। तो x की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, मैं x की जगह पुट करता हूँ 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो 2a साइन स्क्वायर थीटा से यदि मैं x की जगह पुट करता हूँ, देखो तो ये थोड़ा सा इसको मैं, ठीक है, तो मैंने x की जगह पे 2a sin square theta पुट किया, तो ऊपर कितना हो गया, देखो सबसे पहले dx by d theta निकाल लो, तो कितना हो गया 4a sin square theta का 2 sin theta cos theta, तो 4a बन गया sin theta cos theta, तो ये dx की जगह 4a sin theta cos theta d theta बना दूंगा, और यहां पे x की पावर 3/2 यानी 2a sin square theta की पावर 3/2, तो और नीचे 2a अंडर रूट 1 माइनस sin square theta, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस sin square theta, बिकॉज x की जगह मैंने क्या पुट किया, x की जगह मैंने पुट किया 2a sin square theta, बिल्कुल सही। अब देखो भाई इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 से पाई बाई 2 बाहर है, नीचे रूट 2a बाहर आ गया, ऊपर कितना है 2a रूट 2a, बिकॉज
थ्री बाई टू है तो टू ए रूट टू ए साइन क्यूब थीटा का होल स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल क्यूब थीटा और फोर ए साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा बिल्कुल सही है। नीचे रूट टू ए कॉस थीटा जो कटरा काट दो रूट टू ए से रूट टू ए कटरा कॉस थीटा से कॉस थीटा कटरा जो बच रहा है तीन पावर एक पावर चार पावर और फोर एट ए स्क्वायर तो एट ए स्क्वायर साइन की पावर फोर थीटा एट ए स्क्वायर को बहा लिया एट टू जो सिक्सटीन ए स्क्वायर साइन की पावर फोर थीटा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो किससे सिंप्लीफाई करो वॉलिस थ्योरम से। तो वॉलिस थ्योरम से रूल क्या होता है यहाँ से स्टार्ट होती नीचे से तो फोर नीचे थ्री और इधर ऑड इवन सबस्ट्रैक्शन टू आएगा इधर पे कितना आएगा इधर पे वन आएगा तो वन बाई टू जैसे आता है तो आपको क्या जोड़ना है मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे पाई का यही आपका आंसर हो जाएगा। सो थ्री फोर टू जाए एट टू जो सिक्सटीन है ना तो 3 बाई 16 और बाहर क्या बैठा हुआ है 16 ए स्क्वायर तो 16 ए स्क्वायर से 16 ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और पाई भी बचा था। ओके तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा 16 से 16 कैंसिल हुआ ए स्क्वायर बच गया है सो 3 पाई ए स्क्वायर तो आंसर कितना हो गया इसका 3 पाई ए स्क्वायर। तो टोटल आंसर आपसे पूछा गया है कि इसका कितना होगा तो टोटल आंसर इसका बनेगा अपना कितना 3 पाई ए स्क्वायर ठीक है ना 3 पाई ए स्क्वायर। हाँ अगर आपसे बोलता अपर हाफ का ऊपर वाले का एरिया तो आपको इसको हाफ कर देना पड़ता तो दैट टाइम आपका एरिया कितना बनता 3 पाई ए स्क्वायर बाई टू अगर आपसे एरिया ऑफ द अपर हाफ पूछा होता। बड़े समय अपर हाफ तो आपसे पूछा नहीं ना आपसे तो पूरा पूछा गया है तो ये हो गया। चलिए इसी बीच में आपको थोड़ा सा वॉलिस थ्योरम का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि वॉलिस थ्योरम कैसे लगाते हैं। देखिए अभी जो जैसे आया था साइन जीरो से लेके पाई बाय टू की लिमिट में साइन की पावर कुछ भी हो एन थीटा तो आपको करना क्या है एन से स्टार्ट नीचे से करना है और नीचे इवन सब्ट्रैक्शन लेने हैं ऊपर ऑड सब्ट्रैक्शन लेने हैं और चलते जाना है चलते जाना है। तो अगर आपकी पावर एन इवन है तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे एंड होगा वन बाई टू पे और वन बाई टू पे एंड होगा तो आपको क्या लगाना है पाई बाई टू क्या लगाना है पाई बाई टू क्योंकि वन के पीछे तो जीरो हो जाएगा और टू के पीछे भी जीरो हो जाएगा क्योंकि नीचे इवन सबट्रैक्शन है तो यहाँ पे क्या लगाना पाई बाई टू। बट इन केस यदि आपकी एन की पावर ऑड है अगर एन की पावर क्या है ऑड है जैसे कि ये देखो यहाँ पे जीरो से लेके पाई बाई टू साइन एन थीटा डी थीटा अगर आपके पास जो है एन की पावर्स ऑड में है तो बस वही नीचे इवन सब्ट्रैक्शंस ऊपर ऑड सब्ट्रैक्शन और लास्ट में ये कहाँ पर गिरेगा 3 बाई टू पर और 3 बाई टू पर गिरते आपको क्या लगाना है 1 लगाना है तो ये कहलाती है वॉलिस थ्योरम। आप इसको बीटा गामा फंक्शन से भी कर सकते हो फार्मूला बता देता हूँ। देखिए साइन की जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर एन थीटा कॉस की पावर एन थीटा तो फार्मूला लगता है एम प्लस वन बाई गामा एम प्लस वन बाई टू गामा एन प्लस वन बाई टू और नीचे होता है गामा एम प्लस एन प्लस टू बाई टू ये आपको याद रखना है। ओके कंफ्यूज होते हैं बच्चे यहाँ पे वन लगाते हैं बट यहाँ पे टू होता है गामा एम प्लस एन प्लस टू बाई टू तो ये वाली इस थ्योरम का कंसेप्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो बताइए इसके कितने सोल्यूशन होंगे। तो जेड की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ एक्स प्लस आई वाई तो एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया टू एक्स स्क्वायर प्लस आई इंटू टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो बहुत बढ़िया। अब देखिए जी अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही जीरो होते हैं तो मैंने कहा ऑन कंपेयरिंग टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो दिस मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो एंड इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होना चाहिए तो टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब आपने एक्स तो जीरो निकाल ही लिया है अब वाई दुनिया का कुछ भी हो जाए तो भी आंसर क्या आएगा जीरो आएगा मतलब एक्स इज इक्वल्स टू जीरो तो है एंड वाई मे बी एनीथिंग तो कितने मतलब कोई भी रियल नंबर दुनिया का चल जाएगा वाई की जगह तो कह रहा कितने सॉल्यूशंस बनेंगे बहुत सारे सॉल्यूशंस बनेंगे तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर। ओके सो दिस इज डन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है इफ जेड टू द पावर 4 इक्वल्स टू आई नेक्स्ट क्वेश्चन इफ जेड टू द पावर 4 इक्वल्स टू आई देन आपसे पूछा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ जेड तो आपको वैल्यू ऑफ जेड बतानी है। देखो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जेड की वैल्यू बतानी मतलब आई की पावर 1 बाई 4 कर दो ये देखो जेड की पावर 4 इक्वल्स टू आई बट देखिए आंसर आयलर फॉर्म में है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा पहले आपको इसको लिखना पड़ेगा प्रॉपर नोटेशन में तो i को क्या लिख सकते हो cos पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू और ये कितनी चली गई पावर 4 चली गई है और पावर 4 1 अपॉन 4 है तो कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाता है 1 अपॉन 4। ओके सो cos पाई बाई 8 प्लस आई साइन पाई बाई 8 ये इसका आंसर है। ओके ये इसका आंसर है एक पॉसिबल आंसर है आंसर बहुत सारे बनेंगे ओके बट इसका वन ऑफ द पॉसिबल आंसर ये है। देखिए यहाँ पर इसकी जनरल फॉर्म भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कॉस ऑफ 2 के पाई
प्लस पाई बाय टू, ओके, प्लस साइन ऑफ टू के पाई प्लस पाई बाय टू, ये आपकी जनरल फॉर्म बन जाएगी। बट फिलहाल अभी कहना चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर यहीं पर आ गया है, तो ज़्यादा हम इस पर जोर नहीं डालेंगे, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो। ये बहुत बार कई सारे एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो। तो मैं इसको आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से करना बताऊंगा कि जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो कैसे करते हैं, ठीक है ना। एक तरीका आपके राइट साइड में लिखा हुआ है, पहले उसको देख लो आप लोग, वो थोड़ा सा आपको सिंपल लगेगा। तो ये तरीका पहले देख लो कि अपने पास क्या है, जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो है, ठीक है भाई, बहुत सही। तो जेड की जगह क्या ले लो, एक्स प्लस आई वाई, तो ये हो गया एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई वाई का बार इक्वल्स टू जीरो। इसको ओपन कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू जीरो। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स चला गया एंड आई बाहर है टू एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो आइदर ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, दो कंडीशंस जीरो होगी, दोनों में सिंपल कौन सा है, सेकंड वाला है। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो वाई इंटू टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, दिस विल गिव यू वाई इक्वल टू जीरो और टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो मतलब एक्स इक्वल टू वन बाई टू। तो वाई इक्वल टू जीरो रखने पर, अब वाई इक्वल टू जीरो मैंने किस पर पुट किया, वाई इक्वल टू जीरो मैंने फर्स्ट इक्वेशन पर पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो वाई इक्वल टू जीरो पर मेरे पास दो कंडीशन आ रही हैं एक्स की, एक तो आ रही है एक्स इक्वल टू जीरो और एक आ रही है एक्स इक्वल टू माइनस वन, मतलब दो सोल्यूशन बन गए, जीरो कॉमा जीरो एंड माइनस वन कॉमा जीरो, बिकॉज वाई की वैल्यू जीरो पर एक्स की दो वैल्यू, एक वैल्यू मेरे पास एक्स की है एक्स इक्वल टू वन बाई टू। अगर मैं एक्स इक्वल टू वन बाई टू वाई इसको इक्वेशन नंबर वन को खिलाता हूं तो मेरे पास फिर वाई की वैल्यू आएगी। तो एक्स इक्वल टू वन अगर मैंने इक्वेशन नंबर वन को दिया तो सॉल्व करने पर मेरे पास वाई की वैल्यू आ रही है कितनी, प्लस माइनस थ्री बाई टू, मतलब एक्स इक्वल टू वन पे वाई की वैल्यू एक आई है थ्री बाई टू और एक आई है माइनस थ्री बाई टू। ओके, तो आंसर क्या बनेगा, वन कॉमा थ्री बाई टू एंड वन कॉमा माइनस थ्री बाई टू। तो टोटल दो पेयर ये आ चुके हैं और दो पेयर ऊपर आ चुके हैं ये, तो टोटल हमारे पास कितने सॉल्यूशंस हो चुके हैं, फोर सॉल्यूशंस। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, इसके होंगे चार हल, कितने होंगे चार हल, यानी फोर सॉल्यूशंस, वी हैव फोर सॉल्यूशंस। ओके, एक तरीका तो ये हो गया। अब एक दूसरा तरीका मैं इसका आपको करने के बताता हूँ, वो भी तरीका काफ़ी ज़्यादा वायरल है, कह लो या ट्रेंडिंग है ना, उस तरीके की बात अपन करते हैं, देखिए वो कैसा होगा। सो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो। तो जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो में इसको ले गया तो जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड बार। अब दोनों तरफ का आप मैग्नीट्यूड ले लो, तो इसका आपने मैग्नीट्यूड ले लिया तो ये भी हो गया माइनस जेड बार इक्वल। सो देखिए जेड स्क्वायर इक्वल्स टू यहां पे हो गया जेड बार। अब इसको सॉल्व करता हूं मैं, ये देखो माइनस जेड बार हो, आपको सारे मैग्नीट्यूड एक ही होते हैं, चाहे जेड का हो चाहे जेड बार का हो चाहे माइनस जेड का हो चाहे माइनस जेड बार का हो, ये सबके सब एक ही होते हैं, इनके सबके मैग्नीट्यूड एक ही हुआ करते हैं। तो आपने क्या किया, इसको इधर लेके आ गए, बहुत बढ़िया बात है, आपने इसको इधर लेके आ गए तो ये कितना बन गया, सॉरी इधर नहीं लेके आ गए, माइनस जेड का गायब हो गया तो जेड स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जेड स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। अब इसको इधर लेके आओ तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड इक्वल टू जीरो, और फिर ये लाइन मैंने अच्छा हाँ ठीक ठीक दोबारा नहीं रिपीट करिए। एक यहाँ पे थ्योरम होती है कि मॉड ऑफ जेड की पावर एन इज इक्वल जेड की पावर एन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड जेड का पावर एन का मैग्नीट्यूड। ये बहुत काम की थ्योरम है, कई बार काम है, अब जैसे यहाँ पे काम में आ गई। तो ये जो है ना पावर, आप इसके मैग्नीट्यूड के बाहर निकाल लो। ओके, ये प्रॉपर्टी होती, क्या प्रॉपर्टी होती देख लो, जेड की पावर एन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड की पावर मैग्नीट्यूड की पावर एन। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की पावर एन आपने बाहर निकाल ली तो जेड मॉड आपने कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, मॉड जेड माइनस वन। अब जेड मॉड इक्वल टू जीरो एक केस बन गया, फर्स्ट केस, और दूसरा जेड मॉड इक्वल टू वन, माइनस वन इक्वल टू जीरो मतलब मॉड ऑफ जेड इक्वल टू वन, ठीक है ना, ये दूसरा केस बन गया है। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू वन, तो दो केसेस बन गए, एक तो ये और दूसरा ये। तो ये तो आपको प्योर सोल्यूशन दे रहा है कि जेड इक्वल टू जीरो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जीरो कॉमा जीरो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक हल तो ये आ गया, वन सोल्यूशन, बट अभी इसको हमको प्रोसेस करना पड़ेगा मॉड जेड इक्वल टू वन से, है ना। तो मॉड जेड इक्वल टू वन से प्रोसेस करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो हमने स्क्वायर कर दिया, मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू वन, तो मॉड जेड के स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, जेड जेड बार इक्वल टू वन, सो जेड बार इक्वल टू वन बाई जेड, जेड बार इक्वल्स टू वन बाई
जेड, ये हो गया। अब देखो भाई साहब, ऊपर आपके पास एक प्रॉपर्टी थी यहाँ पे जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड बार, और सॉल्व करने पर है ना जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड बार, तो मैंने क्या जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड के बार की जगह कितना है माइनस वन बाई जेड लगा दिया, जो कि मैंने अभी यहाँ से निकाला था जेड बार इक्वल टू वन बाई जेड, इससे मल्टीप्लाई होगा जेड क्यूब इक्वल टू माइनस वन, और जेड क्यूब इक्वल टू माइनस वन मतलब जेड इक्वल टू माइनस वन की पावर वन बाई थ्री, जिससे तीन रूट निकल करके आएंगे माइनस वन, माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सो एक तो ये तीन पेयर बन गए और एक पेयर आपका क्या था जीरो था, सो टोटल कितने रूट्स हो गए जीरो हो गया, माइनस वन, माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, तो टोटल आपके पास फोर रूट्स हो चुके हैं। कितने रूट्स हो चुके हैं? फोर रूट्स। सो गाइज, इस तरीके से आप यहाँ पे चार रूट्स निकाल सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से प्रॉब्लम करवाई है, एक आपका जो कन्वेंशनल एक्स प्लस आई वाई वाला तरीका और एक थोड़ा सा मॉडर्न वाला कह लो तरीका, इस तरीके से मैंने दोनों प्रॉब्लम करवा चुकी है। आई होप आपको समझ में आई होंगी। ओके, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहो लपालप जबरदस्त तरीके से। चलिए बच्चों, अगली प्रॉब्लम आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप करके लाएंगे होमवर्क में। क्या है देखिए, वन प्लस आई अपॉन रूट टू की पावर टू बाई थ्री की वैल्यू आपको बतानी है। रूट थ्री प्लस आई है, माइनस आयोटा है, आयोटा है या माइनस रूट थ्री प्लस आयोटा, चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं।